हेलो सुपर फ्रेंड्स, इन्फिनिटी वॉर में इतनी तबाही देखने के बाद हम सभी मार्वल फैंस को एंटमैन एंड द वेस्ट जैसी लाइट एंड कॉमेडी मूवी की काफी जरूरत है। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ एंटमैन के सीक्वल में काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो एवेंजर्स 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आज हम इसी को डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की सबसे खास बात यह है कि इसकी हर एक मूवी बाकी मूवीज से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से ही हमें एवेंजर्स जैसी मूवीज देखने को मिलती हैं। और एंटमैन एंड द वास्प के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके पहले ट्रेलर से ही हमें पता है कि ये इवेंट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद का है, लेकिन अभी रिसेंटली आए एक टीवी स्पॉट में ये भी देखने को मिला कि इन्फिनिटी वॉर से भी इसका काफ़ी लेना देना है, और इसीलिए इस मूवी में होने वाले इवेंट्स का एवेंजर्स 4 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी का मेन फोकस है हैंक पिम की वाइफ जेनेट वैन डाइन को क्वांटम रियम से वापस लाना, जिसे हम पहली एंटमैन मूवी में गायब होते हुए देख चुके हैं। इसके साथ हीरोज को घोस्ट के साथ भी डील करना है, तो मार्वल ने जो नई क्लिप इस मूवी से रिलेटेड रिलीज की है उसमें वॉस्प के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करते हुए मूवी में उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। और इसमें ही एक स्पॉट में हमें मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी दिखते हैं, जो बोलते हैं कि एंटमैन एंड द वॉस्प केवल एक फन मूवी ही नहीं बल्कि एवेंजर्स 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इस मूवी के कैरेक्टर्स और इवेंट्स का एवेंजर्स 4 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो अब अगर इनके इस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें तो इसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी एविडेंसेज हैं, जिनमें से पहला है एवेंजर्स 4 की सेट फोटोज। इन पिक्चर्स में हमें टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर जो कि हल्क के लिए मोशन कैप्चर दे रहे हैं, और एंटमैन दिखते हैं। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये सीन न्यूयॉर्क बैटल का है, तो इस सीन में एंटमैन का होना ये प्रूव करता है कि वहाँ जरूर कुछ ऐसा होगा जो एंटमैन से रिलेटेड है या फिर जिसे वो ठीक कर सकता है। यहीं पर हमें एक सर्कुलर डिवाइस भी सबके पास दिख रहा है जो शायद टोनी स्टार्क, हैंक पिम, एंटमैन ने डिजाइन किया हो, जिससे टाइम ट्रेवल या फिर इंटर डायमेंशनल ट्रेवल आसानी से किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरा एविडेंस है वो है क्वांटम रियम, जिसकी एक छोटी सी झलक हमें पहली एंटमैन मूवी में देखने को मिली। इसके अंदर स्पेस और टाइम की बाउंडेशन खत्म हो जाती है और ये एक एंडलेस फील्ड है, जिसकी हेल्प से ही हीरोज एमसीयू के हर इवेंट में जाएंगे या फिर पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिले। वैसे एंटमैन एंड द वास्प मूवी में क्वांटम रियम को काफी एक्सप्लोर किया जाएगा। तीसरा एविडेंस है वास्प का रोल प्ले करने वाली इवेंजेलिन लिली का एक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि एवेंजर्स 4 में वास्प का रोल काफी छोटा है, तो हो सकता है एंटमैन एंड द वास्प के लास्ट में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन्स में वास्प भी थैनोस की चुटकी की वजह से डस्ट बन जाए, और एवेंजर्स 4 में वो तभी वापस आए जब लास्ट में बाकी डस्ट बने हीरोज स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह वापस आए। इसीलिए लिली ने कहा कि उनका रोल काफी छोटा है। इसके अलावा सुनने में ये भी आया था कि एवेंजर्स 4 में एंटमैन की बेटी कैसी हमें 15-16 साल की लड़की के रूप में दिखेगी, जिसके लिए एक एक्ट्रेस को कास्ट भी कर लिया गया, तो हो सकता है कि एवेंजर्स 4 में हमें पैरेलल यूनिवर्स या फिर किसी दूसरी रियलिटी की कैसी देखने को मिले, या फिर हीरोज फ्यूचर में भी ट्रैवल करें जिसमें एंटमैन अपनी बेटी के फ्यूचर वर्जन से मिल सके। इन सब से भी अलग एक एविडेंस है जब इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन की टीम रोडी से मिलने आती है, तो रोडी उन्हें बताता है कि स्कॉट यानी एंटमैन हाउस अरेस्टेड है, जबकि एंटमैन एंड द वास्प के ट्रेलर से ही क्लियर है कि इसकी कहानी एंटमैन के हाउस अरेस्ट के बाद के इवेंट्स को भी दिखाएगी, जिसका मतलब इसकी स्टोरी लास्ट में इन्फिनिटी वॉर के साथ मिक्स हो ही जाएगी, जहां लास्ट में कोई ना कोई हमें डस्ट में बदलता हुआ जरूर दिख सकता है। वैसे भी अब 2 वीक्स से भी कम टाइम बचा है इस मूवी को रिलीज होने में, लेकिन अभी इसकी स्क्रीनिंग के बाद पता चला है कि इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, और एक र्यूमर तो ये भी है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें एवेंजर्स 4 का टाइटल भी पता चलेगा, तो इसी वजह से इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आपके पास भी कोई सपोर्टिंग पॉइंट्स या फिर थियरीज हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और भी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को, हमें फॉलो करें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और गूगल प्लस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप लोग BIV स्पेशल सुपर हीरो शोडाउंस देखना चाहते हैं तो ये वीडियोस देख सकते हैं।